हेलो गाइस, वेलकम टू टी वाई जे वर्ल्ड। मिड रेंज के लगभग हर एक फोनों में आजकल आपको सुपर स्लो मोशन वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे मोबाइल क्लेम तो कर रहे हैं कि वो 960 FPS में वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, सुपर स्लो मोशन वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई थोड़ी अलग है। आज हम यहाँ पे Realme XT, Realme X2, Poco X2 और Samsung Galaxy M30s के बीच में सुपर स्लो मोशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मोड्स की बात करें तो Realme X2, Poco X2 और Realme X T, ये तीनों में आपको 960 FPS का पर्टिकुलर मोड मिल जाता है, जबकि M30s में आपको सुपर स्लो मोशन का मोड मिलता है जो लगभग 480 FPS के आसपास वीडियो कैप्चर करता है। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें तो ये सारे के सारे मिड रेंज के फोन हैं जिनमें आपको सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कितने ट्रू हैं, कितने फेक है वो हम जानने वाले हैं, और कौन सा डिवाइस ना सबसे अच्छा सुपर स्लो मोशन दे रहा है कंपैरिजन वाइज अदर। तो इसे जानने के लिए हमने लगभग हर एक कंडीशन में अलग अलग तरह से टेस्ट परफॉर्म किया, जैसे कि कैमरे की ओर आता हुआ ऑब्जेक्ट जिसमें अलग एल्गोरिदम वर्क करता है, कैमरे से दूर जाता हुआ ऑब्जेक्ट, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, अपनी पोजीशन से नीचे गिरता हुआ ऑब्जेक्ट, या फिर लो लाइट कंडीशन का ऑब्जेक्ट। हर एक कंडीशन में सुपर स्लो मोशन का अलग इफेक्ट रहता है। तो अगर हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन की बात करें, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से नीचे गिर रहा था, ये सबसे आइडियल कंडीशन होती है किसी भी डिवाइस के लिए वीडियो कैप्चर या सुपर स्लो मोशन कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे हमें चारों के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिला वो स्मूथनेस, फ्रेमिंग और स्पीड का है। सबसे पहली बात, आप देख सकते हैं M30s स्मूथ तो है, लेकिन ये कंपैरिजन वाइज अदर 3 के थोड़ा फास्ट, यानी कि ये लगभग 480 FPS के आसपास वीडियो कैप्चर कर रहा है, जबकि अदर डिवाइस यहाँ पे लगभग 960 FPS जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे स्मूथनेस की बात करें या फिर फ्रेमिंग की बात करें, तो आप देख सकते हैं Realme X2 और Realme X3 ये दो ऐसे डिवाइस हैं जिनमें हमें फ्रेमिंग्स देखने को मिल रही थी, यानी कि वीडियो थोड़ा अटकता हुआ नजर आ रहा था। जबकि Poco X2 की बात करें तो Poco X2 में हो क्या रहा था, जब ऑब्जेक्ट हवा में था, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ कलरफुल स्टोन या कॉइन्स को पानी में फेंका है, पानी में जाने से पहले तक चाहे वो स्टोन हो या कॉइन हो, देख सकते हैं उनका शेप चेंज हो रहा है, अनयूजुअल बेंडिंग्स आ रही। यहाँ पे फ्रेमिंग्स नहीं है, यहाँ पे बेंडिंग्स हैं जो Poco X2 में देखने को मिल रही है। पानी में जाने के बाद इनका वीडियो आइडियल हो जाता है, यानी कि काफी अच्छी क्वालिटी में वीडियो कैप्चर करते हैं, लेकिन पानी में जाने से पहले तक हमें अनयूजुअल बेंडिंग्स, जो मेन ऑब्जेक्ट का शेप है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है Poco X2 में। तो यही हम बोल रहे थे, यहाँ पे दो तरह के रिजल्ट है, पानी में जाने से पहले और पानी में जाने के बाद। पानी में जाने से पहले हम बोल सकते हैं कि Poco X2 में बेंडिंग्स हो रही है, लेकिन पानी में जाने के बाद इसकी डिटेलिंग, इसका जो इफेक्ट है, इसकी जो सुपर स्लो मोशन है वो काफी अच्छा है। अगर हम यहाँ Realme के डिवाइस की बात करें तो Realme XT की Realme UI अपडेट के बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, हमें लगा था कि काफी चेंजेस आने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, एल्गोरिदम में कोई चेंजेस नहीं है अभी भी। देख सकते हैं जो फ्रेमिंग्स है वो पहले भी हमें देखने को मिल रही थी, जो अभी भी देखने को मिल रही है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वीडियो अटकता हुआ नजर आएगा पूरे ड्यूरेशन में। M30s जो इन चारों में सबसे स्मूथ है, उसमें स्पीड थोड़ी फास्ट है। तो ये चारों के बीच में मेन डिफरेंस जो हमें आइडियल कंडीशन की फुटेज में देखने को मिला। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बलून वाले फुटेज की बात करें तो यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन और डायनेमिक रेंज बैलेंस का थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला। सबसे पहली बात, अब देख सकते हैं ये धूप की फुटेज थी, धूप की फुटेज का जो यहाँ इफेक्ट आ रहा है वो Poco X2 में पूरा पूरा आ रहा है, जबकि अगर M30s की बात करें तो M30s काफ़ी अच्छी तरह कलर तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हमने धूप में फुटेज कैप्चर करी है। तो ये एक डिफरेंस है, और Realme XT और Realme X2 काफ़ी अच्छी फुटेज कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन की बात है और स्मूथनेस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ सबसे स्मूथ M30s है। आप देख सकते हैं थोड़ा फास्ट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो M30s में सबसे ज़्यादा है, यानी जो बलून फूट रहा है उसके बाद जो पानी निकल रहा है उसकी स्मूथनेस आप अलग ही देख सकते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं Poco X2 में है, और Realme XT और Realme X2 में थोड़ी फ्रेमिंग समय देखने को मिल रही है इस फुटेज में भी। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यानी कि Realme के डिवाइस में 960 FPS तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वीडियो अटकता हुआ नजर आएगा कंपैरिजन वाइज अदर। इसके साथ साथ हमें एक और डिफरेंस देखने को मिला जो M30s और अदर डिवाइस में था। M30s में आपको यहाँ पे एक्सपोजर लेवल कंट्रोल करने का ऑप्शन सुपर स्लो मोशन में नहीं मिलता है, इसके साथ साथ यहाँ पे फोकस और एक्सपोजर लॉक करने का ऑप्शन नहीं मिलता जैसा अदर डिवाइस में मिल जाता है। यानी कि अदर डिवाइस में आप चाहें तो यहाँ पे एक्सपोजर लेवल को लॉक कर सकते हैं और फोकस को लॉक कर सकते हैं।
जैसा कि हमने यहाँ पे फिलामेंट वाले वीडियो में किया था। आप देख सकते हैं जो एडिसन बल्ब है यहाँ पे, इसके फिलामेंट को हमने फोकस करके लॉक कर लिया था और इसका एक्सपोजर को कम कर लिया था। ऐसा हमने रियलमी एक्स टू और पोको X2 में कर लिया, लेकिन सैमसंग में हमें ऐसा करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियो कैप्चर हुआ है वो XT, X2 और पोको X2 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन सैमसंग में क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर लेवल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लॉक नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे अनयूजुअल वीडियो कैप्चर हो रहा था इस कंडीशन में। इसके साथ साथ यहाँ पे जब हमने कार्ड्स को थ्रो किया था इस कंडीशन में, स्मूदनेस सबसे ज़्यादा हमें M30S में ही देखने को मिली, यानी कि स्मूदनेस के मामले में M30S और देखा जाए तो पोको X2 काफ़ी अच्छे या काफ़ी आगे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं रियलमी X3 और पोको X2, जिसमें खासतौर से रियलमी X3 में जो ग्रीन कलर है वो कुछ ब्लू टोन में कैप्चर हो रहा है और पोको X2 में भी कुछ कूल टोन में जा रहा है, जबकि रियलमी X2 और M30S में काफ़ी एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो कलर रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जब हमने स्पीकर वाला वीडियो बनाया था तो यहाँ पे स्मूदनेस फिर से हमें M30S में सबसे ज़्यादा देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल है वो सबसे स्मूदली मूवमेंट दे रहे थे M30S में, जबकि अदर वीडियो की बात करें तो रियलमी के डिवाइस में अलग ही अटकते हुए नज़र आ रहे थे, पोको X2 में अटक तो नहीं रहे थे, यानी फ्रेमिंग्स तो नहीं थी लेकिन बेंडिंग्स थी, कुछ उसी तरह के कॉइन वाले वीडियो में था। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि ओवरऑल आपको सबसे अच्छा वीडियो किसका लगा, यानी सबसे अच्छा सुपर स्लो मोशन यहाँ पे कौन सा डिवाइस दे रहा है। क्योंकि सारे के सारे डिवाइस यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड का वीडियो कैप्चर कर उसे सुपर स्लो मोशन में कन्वर्ट करते हैं और आपको एक 30 FPS वाली फाइल देते हैं, यानी फाइनल फाइल जो आपको मिलती है वो 30 FPS वाली मिलती है, जिसका फाइल साइज लगभग 11 से 12 MB के आसपास रहता है। इसीलिए आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि ओवरऑल आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी अलग अलग कंडीशन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।